भाई जैसा कि अपन ने देखा कि मैरो और पेपरटा दोनों का ही यूजर इंटरफेस इक्वली गुड था, तो अब चलिए बात करते हैं दोनों के प्लस और टोटल कॉस्ट ऑफ प्लान के बारे में। तो मैरो का जो प्लान भी है जिसमें कि टेस्टिग्स और क्यू बैंक इंक्लूड होता है, उसका कॉस्ट है 15,000, और जो प्लान सी है उसका कॉस्ट है अराउंड 30,000, जिसमें इंक्लूड होता है मास्टर क्लासेस, जो कि एक फोर्थ एडिशन में जो वीडियो लेक्चर्स है उसको नाम दिया गया है मास्टर क्लासेस, जिसमें इंक्लूड होता है स्टेप वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, जो कि 700 आवर्स प्लस के वीडियोस हैं। उसमें है रिवीजन वीडियोस, उसमें एमसीक्यू वीडियो डिस्कशन भी इंक्लूड होता है और इमेज डिस्कशन वीडियो। तो चार चीज़ें इंक्लूड होती है मास्टर क्लासेस वीडियोस में: सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस एंड इमेज डिस्कशन वीडियोस। और प्लान सी के ही अंदर आता है क्यू बैंक, जो कि फोर्थ एडिशन का होगा, और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी प्लान सी में। यदि प्रेपरेटर की बात करें तो प्रेपरेटर का जो चैंपियन ब्लूप्रिंट्स है वो है अराउंड 40,000 का, जो कि कॉस्टली है मैरो के कंपेरिजन में। यदि आपको आपके डिसीजन मेकिंग में यदि कॉस्ट एक फैक्टर मेजर फैक्टर है, तो आप मैरो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मैरो का जो प्लान सी है वो 30,000 का है, बल्कि जो और जो कि वीडियो प्लान प्रेपरेटर का है वो है 40,000 का। जो चैंपियन ब्लूप्रिंट, जो कि प्रेपरेटर का एक प्लान है, उसके अंदर आता है वीडियो लेक्चर, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक, रैपिड रिवीजन, जो कि एक बहुत फेमस कंसाइज वीडियो लेक्चर्स जो कि फैकल्टी ने बनाए थे, वो भी आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा। स्नैपशॉट 2020, जो कि एक इमेज बेस्ड डिस्कशन है, जो कि प्रेपरेटर की फैकल्टी ने बहुत ही अच्छे से पिछली बार बनाया था। टेस्ट एंड डिस्कशन, अपडेटेड नोट्स, ट्रीजर्स एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होगा, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के डिस्कशन विथ वीडियोस भी इसमें इंक्लूड होगा। यदि चलिए अगली बात करते हैं इन फैकल्टीज के बारे में, कि किसमें कौन सी फैकल्टी बेटर है। वैसे तो हर फैकल्टी चाहती है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर समझ में आए, पर आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा फैकल्टी बेटर है वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस चीज़ में कौन सा सब्जेक्ट बेटर है। अगर यदि एनाटॉमी देखा जाए, तो आपको यदि आपको उस एनाटॉमी बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए प्रेपरेटर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और मैरो सम थोड़ा बहुत कंसाइज है। प्रेपरेटर में ऐसा है कि जो राजेश कौशल सर हैं वो अपने वीडियो लेक्चर के दौरान बहुत सी चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसी समय आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और एनाटॉमी में ऐसा बात है कि फर्स्ट ईयर में अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो लास्ट तक आते आते अपन बहुत कुछ एनाटॉमी भूल जाते हैं। तो एनाटॉमी यदि आप डिटेल में ही पढ़ें तो बहुत ही फायदा रहेगा आपको। तो इसके लिए प्रेपरेटर का आप इंडिविजुअल एनाटॉमी का ऐप भी ले सकते हैं। यदि फिजियो की बात की जाए, तो फिजियो जो कृष्ण कुमार सर हैं मैरो में, वो बहुत ही बेटर पढ़ा है उनने एज़ कम्पेयर टू प्रेपरेटर के जो सर हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, तो वो अगर बात की जाए तो वो प्रेपरेटर में बेटर है, क्योंकि मैम जो स्माइली मैम ने उसे बहुत ही कंसाइज और स्वीट फॉर्म में पूरे बायोकेमिस्ट्री को कंसाइज किया है मैम ने, तो वो आपको उसी चीज़ों को बार बार पढ़ना है, उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। जो बायोकेमिस्ट्री के जो भी 17 क्वेश्चन जो आते हैं नीट में, वो उन्हीं नोट से आपके हो जाएंगे। पर यदि आपके पास टाइम है और आपको अच्छे से समझना है चीज़ों को, तो आप मैरो की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं पैथो की। पैथो में दोनों ही टीचर अच्छे हैं, मैरो में भी और प्रेपरेटर में भी। यदि आपको निमोनिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप स्पर्श गुप्ता सर की तरफ जा सकते हैं। उनने निमोनिक्स बताया, जो कि आपको इजीली हेल्प करेंगे उस सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए। यदि आपको टेबलेटेड फॉर्म में कोई भी चीज़ याद करनी है ज़्यादा, तो आप मैरो प्रेफर कर सकते हैं। वैसे दोनों ही बेटर हैं। फार्माकोलॉजी नो डाउट दोनों में बेटर है। माइक्रो में सोनू परवर सर ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू शिविका शेट्टी मैम। शिविका शेट्टी मैम ने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया, तो यदि आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज कर पाएँ, तो आप
जा सकते हैं मैरो की माइक्रो की तरफ। फॉरेंसिक मेडिसिन में नो डाउट जो पेपरेटा के जो सर हैं उनने बेटर पढ़ा है एज़ कम्पेयर टू जमात सर। ENT मैरो का बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू पेपरेटर। ऑप्थल की बात की जाए तो नो डाउट माइक राजरत्ना मैम ने जो पढ़ाया है मैरो में वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू शास्त्र सर। PSM की बात की जाए तो दोनों में ही बेटर है PSM नो डाउट। मेडिसिन की बात की जाए तो दोनों में बेटर है, पर मेडिसिन का ऐसा है कि यदि आपको आपके पास टाइम है तो आप टाइम हो आप बार बार नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं तो आप मैरो प्रेफर करिए, वरना फिर आप डॉक्टर दीपक मारवा सर जो कि बेस्ट टीचर हैं पूरे इंडिया में मेडिसिन के लिए उनके तरफ जा सकते हैं। उनने ही बहुत कंसाइज वे में पूरे मेडिसिन को पढ़ाया है और निमोनिक्स भी बताए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट को इजीली ग्रेस्प करने में और उसके क्वेश्चन सोल्व करने में। सर्जरी की बात करें तो रोहन खंडेलवाल सर इज समवॉट बेटर देन प्रीतेश सिंह सर, वैसे तो दोनों ही बेटर हैं। गायनी की बात की जाए तो नो डाउट साक्षी साक्षी मैम इज मोर बेटर देन प्रवीण सर। पीडियाट्रिक की बात की जाए तो दोनों में बेटर है, पर ये आपको कंसाइज फॉर्म में पीडियाट्रिक्स पढ़ना है तो आप पेपरेटा प्रिफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मैरो की पीडिया। डर्मा की बात की जाए तो दोनों में डर्मा ठीक है, और साइकेट्री की बात की जाए तो नो डाउट प्रवीण त्रिपाठी सर इज बेटर देन मैरो वाले सर। अगर रेडियो की बात की जाए तो दोनों में बेटर है, बट संभव थोड़ा अपर हैंड मिल जाता है प्रिपरेटर को रेडियो की फैकल्टी के हिसाब से। ऑर्थो में नो डाउट ODD इज बेटर देन, वैसे तो दोनों में ही ऑर्थो बेटर है, पर यदि आप कंसाइज फॉर्म में और ऐसे शॉर्ट सब्जेक्ट की तरह रूप में अगर आप ऑर्थो पढ़ना चाहते हैं तो ODD इज बेटर देन अब्बास सर ऑर्थो। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप पापा एडवाइस कर सकते हैं तो आप ऑर्थो देख सकते हैं मैरो की। ऐसी से बात किया तो प्रेपरेटर में ऐसी से बेटर है एज कम्पेयर टू मैरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्यू क्यू बैंक की बात किया है क्यू बैंक किस में अच्छा है तो क्वेश्चन बैंक नो डाउटेड डी नो डाउट मैरो में क्वेश्चन बैंक इज बेटर देन प्रेपरेटर। और टेस्ट सीरीज की बात किया है तो मैरो में ज़्यादा लोग देते हैं टेस्ट सीरीज को और रेगुलरली देते रहते हैं तो टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो बेटर देन प्रेपरेटर। वैसे तो प्रेपरेटर का क्वेश्चन बैंक भी बढ़िया है, सब क्वेश्चन हैंडमेड रहते हैं, सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रहते हैं तो आप प्रेपरेटर का क्वेश्चन बैंक भी प्रिफर कर सकते हैं। पर मैरो के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन से मिलते हैं पर से मिलते हैं जो आपको इजीली हेल्प करते हैं उस चीज़ को रिटेन करने में और कंसाइज करने में, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैरो का क्यू बैंक और टेस्ट सीरीज बेटर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि मैरो इज़ बेटर देन प्रेपरेटर। तो मैरो इज़ बेटर देन प्रेपरेटर ओवरऑल। पर ये आप पढ़िए किसी से भी, पर आपको एक प्राइमरी सोर्स किसी किसी भी फैकल्टी मैरो की फैकल्टी या फिर प्रेपरेटर की फैकल्टी को देख के आपको एक अपना एक प्राइमरी सोर्स डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको उसी प्राइमरी सोर्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक तरीका है सिलेक्शन होने का। तो आप अपना प्राइमरी सोर्स किसी से बनाइए, मैरो से बनाइए या फिर प्रेपरेटर से बनाइए, दोनों की फैकल्टी बेटर है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो जो मुझे लगता है कि मैरो प्लान प्लान बी प्लान सी सॉरी मॉरी प्लान प्लान सी इज बेटर देन प्रेपरेटर। प्लान सी प्लस प्लान बी ऑफ मैरो। तो आप प्योरली प्लान सी ले सकते हैं या फिर प्रेपरेटर का प्लान सी और मैरो का प्लान बी, ये भी एक अच्छा चॉइस है आपके लिए। यदि आप एक इंटर्न है फॉर इंटर्न्स के लिए देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा और जो मैरो के लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप प्रेपरेटर का प्लान सी ले लें वीडियो लेक्चर प्लस
प्लान प्लान बी ले लें आप मैरो का, तो यह इंटर्न्स के लिए बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप, यदि आप इंटर्न हैं तो आप प्रेपरेटर का प्लान सी ले लीजिए और प्लान बी ले लीजिए मैरो का। तो आप जो प्रेपरेटर के जो वो वॉच टाइम है वो थोड़ा कम है, तो आपको और उनके जो नोट्स हैं वो भी कंसाइज है, तो आप उन चीज़ को बार बार देख के अपना प्राइमरी सोर्स बना सकते हो और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। यदि आप पोस्ट इंटर्न हो तो आप मैरो प्लान बी ले सकते हो, प्लान सॉरी मैरो प्लान सी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप देख के उन वीडियोस को देख के बार बार रियाइज कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम फ्री टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव ए नाइस डे।